इस चीज़ ने आपको मैम स्कूल की याद भी दिलाई होगी। हाँ, टाइम में भी जो रिसर्च होता था तो उनसे ज़्यादा मॉल रोड पे तो नहीं था उस समय इतना, लक्कड़ बाजार के समय, लेकिन कॉलेज टाइम अवेलेबल। और ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसे क्या बनाना आता है आप? मैं खाना पूरा बना लेती हूँ, आप आइए कभी। फेवरेट क्या आपका? मैं राजमा चावल। एंड आई रिमेम्बर जब मैं क्लास 10th में थी तो मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी से एक अवार्ड मिला था, बेस्ट डांसर ऑफ डीएवी लक्कड़ बाजार शिमला। इंडियन स्ट्रीट फूड होता है मैम, उसमें आपका क्या फेवरेट है? एक्चुअली क्या है कि हम किसी भी फूड को इंडियन बनाना जानते हैं। ये चूंचू क्या कोई चिड़िया है क्या? किसी चिड़िया का ही मुरब्बा तो नहीं बना दिया आप लोगों ने? वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी आल्सो ना, सर्दियों के लिए तो बहुत विटामिन सी बहुत होती है इसमें, जो कि भाई सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन मानी जाती है। प्लस मैम इसको ऐसा भी बोलते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका भी मात्रा कोई थोड़ा कम करता है, आपने उस पे सुना है? बढ़ा देंगे इसको अब जरूरत है। भल्ले बाबरू वो सब, आपकी फेवरेट क्या है? मुझे सिड्डू पसंद है, जी बची और रात की सुबह की वो भी डाल देते हैं। ये मैम ने एक सीक्रेट आपको रेसिपी आइडिया दे दिया, रात की बची हुई सब्जी से मैगी बनाई जाए, गजब। संधोल का एक्सपीरियंस कैसा है आपका, क्योंकि बहुत ही रिमोट से एरिया, अभी तक आपने इतने रिमोट एरिया में काम नहीं किया है, लोगों की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर जगह एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है अलॉन्ग विद द चैलेंज एज यू सेड। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम हैं विजय मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बड़सू में, हम लोग इस वक्त हैं और यहाँ पे एडुफेस्ट चल रहा है, एक छोटा सा मेला है, कल्चरल इवेंट भी हुआ। और हमारे साथ देखिए कौन है इस वक्त, आप देख सकती हैं हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर उशीन मैम हमारे साथ हैं। मैम बड़े क्या खा रहे हैं? पापड़ी, चाट पापड़ी खा रहे, जो हर मैं कह सकता हूँ भारत की हर महिला की कमजोरी होती होगी ये चाट खाना। तो थोड़ा आगे भी चलेंगे यहाँ की, इन्होंने बहुत खूबसूरत स्टॉल लगा रखे हैं और मैम से भी थोड़ा बात करेंगे कि इन्हें क्या क्या आता है बनाना और कितना। यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ पहुँचे हैं, पहले तो ये रिबन से कट करने वाली हैं, इस स्टॉल का उद्घाटन करने वाली हैं। उशीन मैम वेलकम टू हमारी क्या बोलेंगे इसको, छोटी सी 1-to-1 डिस्कशन में। और अभी हम सिड्डू के स्टॉल पे हैं, आप शिमला से हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो हमारी ये लोकल डिशेज होती है, सिड्डू हो गया और जो जैसे आपने अगर मंडी की कचौरी भी खाई होगी तो बहुत कुछ, भल्ले बाबरू वो सब, आपकी फेवरेट क्या है? मुझे सिड्डू पसंद है। मैं शिमला में, क्योंकि मैं पैदा भी हुई थी और पढ़ाई लिखाई सब शिमला में की, तो वहाँ के माहौल में तो सिड्डू ही मिलते थे एंड वी यूज़ टू इन्जॉय इट अलॉट। एंड सबसे बड़ी बात है कि इन खानों की जब हम हिमाचल से बाहर जाते हैं, जैसे चंडीगढ़ में पढ़ाई लिखाई करी, तो तब चीज़ें वहाँ पे एकदम याद आती हैं कि सिड्डू का स्टॉल है यहाँ पे, तो घर की याद आ जाती थी। सो ये चीज़ें घर की याद दिलाती हैं एंड इट ऑलवेज मेक्स यू नॉस्टैल्जिक। आपको कैसे पसंद है सिड्डू? जैसे मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे घी के साथ एंड दैट कौन सी चटनी होती हो, अखरोट की, तो आपकी क्या, किस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर चॉइस। ये आपका इस उनके ना इन्होंने तैयार भी कर लिया है, मैम टेस्ट करके बताएंगी। और ये स्टूडेंट्स ने बनाया, मैम कैसा लग रहा है? आपने पहले भी वो चाट पापड़ी खाई, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। हमारे बच्चे तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, स्टॉल्स लगा रहे हैं, भारत में कई लोग लगा रहे हैं। मैडम आपको गाइड कर रही है, शार्क टैंक में जाओ, हमारे सिड्डू को हर घर तक पहुंचाओ। देखो मैंने टैगलाइन भी दी। सिड्डू बनाना सीख रही थी मैं अभी जब मैं मनाली में पोस्टेड थी, बट इतनी महारत हासिल नहीं हुई क्योंकि जॉब ऐसा है कि सुबह भाग दौड़ है और शाम को खाना मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे क्या आप बनाना आता है? मैं खाना पूरा बना लेती हूँ, आप आइए कभी। फेवरेट क्या आपका? मैं राजमा चावल। बहुत बढ़िया मैम, कैसा लगा आपको इनका टेस्ट? बहुत अमेजिंग है और बहुत अच्छा है। रेट इन्होंने 30 रुपये रखा है, मैं बोल रहा था थोड़ा बढ़ा दो भाई, मार्केट में 60 रुपये चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? विदाउट घी 30 रुपये और 40 रुपये विद घी है। सो इस वाले स्टॉल पे मैम वी हैव टू ऑप्शंस, एक तरफ मंचूरियन आपको दिख रहा होगा चाइनीज और दूसरी तरफ प्योर देसी चाट, तो क्या पसंद करेंगे आप? मैं तो दोनों ही टेस्ट करूंगी। मैम थोड़ी देर कंफ्यूज हो गई कौन सा करूं, पर दोनों ही अच्छे लग रहे हैं तो दोनों टेस्ट करें। बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस है। इंडियन स्ट्रीट फूड होता है मैम, उसमें आपका क्या फेवरेट है? एक्चुअली क्या है कि हम किसी भी फूड को इंडियन बनाना जानते हैं, तो मोमोज भी कहाँ इंडियन है, और अब देखिए अब 36 प्रकार की वैरायटी मोमोज की भारतीयों ने बना दी है। सेम गोज फॉर मंचूरियन, मतलब वो चाइना में बनता था सिर्फ मंचूरियन, वो लोग नॉन वेज ज्यादा बनाते थे, हमने यहाँ पे उसमें देसी तड़का लगा दिया। खिलाइए जरा मैम को।
और इस वक्त देखो इन्होंने पूरा आम के पत्ते का यूज़ किया है, और पहले तो मिलता भी उसमें था आम के ही दोने में, है ना। इस चीज़ ने आपको मैम स्कूल की याद भी दिलाई होगी। हाँ, टाइम में भी जो रिसर्च होता था तो उससे ज़्यादा मॉल रोड पे तो नहीं था उस समय इतना, लकड़ बाज़ार के समय, लेकिन कॉलेज टाइम धर्मशाला कॉलेज के बाहर एक टिक्की बर्गर और चाट वाले बना बैठते हैं, आज भी बैठते हैं। अच्छा, अभी आपको कभी मौका मिलता तो मैं मिलती हूँ उनसे। मैं जब भी धर्मशाला जाती हूँ और कॉलेज की तरफ से पैदल जाना होता है तो मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उनसे ज़रूर मिलूँ। शीन मैम का अभी तक आपने ना वो वाला साइड देखा होगा, ये मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, या एडमिनिस्ट्रेटिव ये फ्री में क्लासेस भी लेती हैं, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है। आज इनका वो फूडी वाला जो है ना, वो वाला आपको पक्ष दिख रहा होगा कि कितनी बड़ी फूडी है मैम। जैसा मैंने कहा कि इंडियन ट्विस्ट दिया हुआ है, मंचूरियन में इमली की चटनी डाली है, इट्स अमेजिंग। क्या बात है। और ये अगला स्टॉल भेलपुरी वाला स्टॉल आ गया ये, और वहाँ पे देखिए क्या लिखा है ऊपर, चूं चूं का मुरब्बा। ये चूं चूं क्या कोई चिड़िया है क्या? किसी चिड़िया का ही मुरब्बा तो नहीं बना दिया आप लोगों ने? और मैम अब भेलपुरी खा चुकी हैं, जो कि मुंबई का स्ट्रीट फूड है। और अब देखिए सबसे, मैं मेरे लिए तो ये बड़ा डेंजरस सी चीज़ होती है, कभी एडवेंचर करना हो सर्दियों के समय ना, तो ये कर लेते हैं। और मैम से पूछते हैं, मैम इसके साथ कुछ यादें जुड़ी हैं? बहुत बनाया है हमने ये। कैसे आप कैसे बनाते हैं? चटनी वगैरह अच्छे से पीस के, इसमें जो एक एक्स फैक्टर है वो पता नहीं यहाँ करते कि नहीं, वो कोयला स्मोक स्मोकिंग स्मोकी फ्लेवर आता है। राइट राइट, उससे जो स्मोकी फ्लेवर आता है उससे इसके सारे फ्लेवर्स असेंबल होके और बढ़िया बनते हैं। तो मैम बड़ी खट्टा लवर लग रही है, और आप ये बताइए, और ये देखिए पहले आप इसको, इसकी थोड़ी वो क्या बोलेंगे शक्ल देख लीजिए कैसी है, ग्रीन बिल्कुल, और ये ग्रीनरी जो है यही इसका एसेंस होती है। और मैम इसमें मिर्ची का भी बड़ा खतरनाक फैक्टर होता है। ट्रू ट्रू, हैंडल विद केयर। इसमें शायद गुड़ या शक्कर भी डालते हैं टू बैलेंस इट आउट। मैम प्लीज हैव इट, एंड बाकी इनसे पूछता हूँ मैं तब तक कैसे बनाया ये, है ना। हाँ जी, किसने, कौन है इसका मास्टर शेफ, कौन है? हाँ जी, कैसे क्या क्या ऐड किया इसमें? सर इसमें साग पालक धनिया और लहसुन और अदरक डाला है। साग पालक धनिया लहसुन अदरक, मैम ये तो पूरी आयुर्वेदिक दवाई बना दी इन्होंने। आपने जो अभी पीछे जितना खाया है वो सारा आपका तंत्र तंत्र आपका पूरा सही है। वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी आल्सो ना, सर्दियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन सी बहुत होती है इसमें, जो कि भाई सर्दी जुकाम से लड़ने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन मानी जाती है। प्लस मैम इसको ऐसा भी बोलते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका भी मात्रा कोई थोड़ा कम करता है, आपने उसमें सुना है? बढ़ा देंगे इसको, अब जरूरत है। तो बहुत अच्छा मैम, क्या कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 out of 11। पास हो गया आपका, है ना। कितना आपने रेट क्या लगा रखा है इसका? 10 rupees per plate। बहुत सस्ता मैम ये, है ना, थोड़ा कॉम रीजनेबल प्राइस, गुड गुड। तो ये अगला स्टॉल क्या है? ये मैम कचौरी, वो जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे ना मंडी की कचौरी, हाँ तो ये आपने खाई है मंडी वाली कचौरी? हाँ बिल्कुल मैंने खाई है। अगेन जब मैं मनाली थी तो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लेडीज थी वो इसको लेकर आती थी बना के। ये आया देखिए, 2 मिनट वाला खाना, जब घर में कुछ नहीं हो, भूख लगी हो। मैम ये तो आपको बहुत अच्छी तरह बनाने आई थिंक ये तो कभी कभी लाइफ सेवियर होता है ये, जब कुछ नहीं होता है तो मैगी होती है बिल्कुल। और अगर इसमें थोड़ा सा प्याज व्याज टमाटर अगर काट दें हम तो चार चांद लग जाते हैं। इंडियन स्टाइल। आपको कैसे पसंद है वैसे, सिंपल वाली या? मुझे तड़के वाली पसंद है। तड़के वाली, कोई सब्जी बची और रात की सुबह की वो भी डाल देते हैं। ये मैम ने एक सीक्रेट आपको रेसिपी आइडिया दे दिया, रात की बची हुई सब्जी से मैगी बनाई जाए, गजब। ये विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के होटल मैनेजमेंट के, है ना, आप सभी होटल मैनेजमेंट, तो क्या बना रहे हैं मैम के लिए आज? हनी चिली कॉलीफ्लावर बना रहे सर। हनी चिली का सर, और गजरेला है सर। गजरेला, तो मैम यहाँ भी आपके लिए वैरायटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। और ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि सर्दी में गर्मी का एहसास हो गया एकदम से। तो मैम एक और स्टॉल पे, अब ये तो प्रोफेशनली मानूंगा मैं इनको, बाकी तो मैम ये प्रोफेशनली कहेंगे क्योंकि दे आर फ्रॉम होटल मैनेजमेंट कोर्स। हाउ इज दिस? बहुत अमेजिंग है, वेरी नाइस। 10 out of, इनको भी 11।
इनको 15 दे सकते हैं। क्या बात है। उशीन मैम, आप जैसे इस वक्त आपको भी अपने कॉलेज की या स्कूल डेज की याद आई होगी, आपने कहा था जैसे आप डीएवी में पढ़ी हैं, तो खुद आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जिनमें आप पार्टिसिपेट करती थी? मैं जब स्कूल में थी तो 12th में मैं वॉलीबॉल खेला करती थी, उस समय मुझे शौक था। और डांसिंग में हमेशा से मैंने क्लासिकल सीखा हुआ है और बहुत सारे यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में पार्ट लिया है। एंड आई रिमेंबर जब मैं क्लास 10th में थी तो मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी से एक अवार्ड मिला था, बेस्ट डांसर ऑफ डीएवी लक्कड़ बाज़ार शिमला। एंड उसी के साथ में मुझे स्केचिंग और पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये हॉबीज़ है वो मैं आज भी करती हूँ। अब मैं बताती अपने वो भाषण में शिनचिन देखते हैं शिनचिन, और मैं उस समय मैं क्या सोच रहा था, टॉम एंड जेरी सोच रहा था कि हम भी टाइम पास करने के लिए आजकल वो एनिमेशन मूवीज़ या इस तरीके की चीज़ें ना। बाकी मैम, संधोल का एक्सपीरियंस कैसा है आपका, क्योंकि बहुत ही रिमोट से एरिया, अभी तक आपने इतने रिमोट एरिया में काम नहीं किया है, लोगों की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर जगह एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आती है अलॉन्ग विद द चैलेंज एज यू सेड, तो वो जगह हाँ थोड़ी सी बैकवर्ड कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू मनाली जहाँ मैंने सर्व किया, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोटेंशियल है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ लोगों को कि आप लोग संधोल से आप काम तो कर रहे हैं लेकिन संधोल में वापस भी आइए, धर्मपुर को आपको बसाना भी पड़ेगा। तो मैं ये स्कूल में जाके स्टूडेंट्स को बोलती ज़रूर हूँ, कुछ भी बनो बट एक बार ज़रा अपने घर तो वापसी करो, आप लोगों को बसाना है धर्मपुर। उशीन मैम के साथ में बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा यहाँ पे, खाते खाते पीते वाला इंटरव्यू हुआ ये आज, और ऐसा फर्स्ट ही पहला इंटरव्यू होगा आप कैसा। थैंक यू सो मच। और कोशिश करेंगे कुछ और एक सीरियस टाइप का इंटरव्यू कभी फ्यूचर में, ये मैम के पास काफ़ी कुछ है जो ये बताती हैं समाज को देने के लिए, तो वो सब हम करेंगे मैम फ्यूचर में। बहुत 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 शुक्रिया आपका हमसे इंटरेक्ट। सभी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।